खबर आगरा से है, जहां मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के मामले पर एक्शन लिया गया है। एडीजी ने थाना प्रभारी अनूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। एक सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही, 1 हेड मोहरर सस्पेंड कर दिए गए हैं। लापरवाही पर एडीजी राजीव कृष्ण ने एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मालखाने से चोरी के मामले में अब एक्शन लिया गया है। लापरवाही पर एडीजी राजीव कृष्ण ने एक्शन लिया है, यानी कार्रवाई की है और पुलिस वालों पर गाज गिरी है। इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कराया जा रहा है और कई टीमें लगा करके इसको जल्दी से जल्दी इसको अनावरण किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें कुछ लोगों की लापरवाही पाई गई है, इस कारण इस थाने के जो SHO हैं AK तिवारी और जो नाइट ऑफिसर जिनकी रात में ड्यूटी थी SI रामनिवास और नाइट में जो 3 कर्मियों की ड्यूटी थी जिनका। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल। 2008 में पहली बार बसपा में रहते वो विधायक रहे और 2012 में सपा की टिकट पर विधायक रहे। सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं नितिन अग्रवाल। आपको बता दें कि 2017 में भी सपा के टिकट पर ही विधायक बने हैं और 2018 में पिता नरेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। 2018 से नितिन भी सपा के खिलाफ बाकी तेवर अपनाए थे। नितिन के पास MBA की डिग्री है। नितिन अग्रवाल का जन्म 9 अगस्त 1981 को हुआ था। तो नितिन अग्रवाल कौन है ये आप जान लीजिए। नितिन अग्रवाल क्यों इस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं ये भी हमने आपको समझाया। जब से उनके पिता 2018 में भाजपा में शामिल हुए तभी से नितिन अग्रवाल के जो तेवर हैं वो काफी तीखे समाजवादी पार्टी के लिए नजर आए और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जब विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन दाखिल कर रहे थे, पर्चा भर रहे थे, तो उस दौरान CM योगी और प्रदेश अध्यक्ष BJP के स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस दौरान यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए सपा की ओर से उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा हैं, उन्होंने और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। तकरीबन 15 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। आज नामांकन का दिन है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक नरेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नरेंद्र जी, नामांकन तो दाखिल कर दिया लेकिन मैजिकल नंबर तो है नहीं आपके पास, चुनाव जीतेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में जो मेरी पास जानकारी, मैं 6ठी बार के MLA हूँ, उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन में मतदान आज तक कभी नहीं हुआ है। जो प्रदेश की गरमामयी विधानसभा में रहा है, परंपरा रही है, उसमें विपक्ष के सबसे बड़े दल को निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाता है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को और पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के जो सबसे बड़े दल का उम्मीदवार अधिकृत उम्मीदवार होगा उन्हें उनको बनाना चाहिए। हमने रिट दाखिल की थी नितिन अग्रवाल के खिलाफ और वो सारे हमारे वकील ने प्रमाण पत्र दिए जिसे सिद्ध हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन निर्णय हमारी रिट खारिज कर दी गई और रिट खारिज होने के बाद तत्काल विधानसभा बुला लिया जा रहा है। रीट जो खारिज होती है एक हफ्ते के अंदर ही विधानसभा का सत्र आहूत कर लिया जा रहा है और उपाध्यक्ष का चुनाव और उसी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है।